नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल ट्रू लाइफ स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसका आशय इतना गुण और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार भागवत गीता में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भागवत गीता एक ऐसा अनुपम शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदउपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता का रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अतिशय प्रिय है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भागवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इसमें जितनी बातें कही गई हैं, वे सभी अक्षरशः यथार्थ हैं। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सभी शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो जाता है। गीता को हम भगवान से भी बढ़कर कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूं, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। इसके सिवाय गीता में ही भगवान अपने मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मनुष्य मेरी इस गीता रूपी आज्ञा का पालन करेगा, वह निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हूंगा। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इस बार हम भगवद गीता के 18 अध्यायों को एक सीरीज के तौर पर बना रहे हैं, जिसमें एक अध्याय के एक वीडियो बनेगा और टोटल 18 वीडियोस की सीरीज होगी। इसीलिए इस बेहद ही खास वीडियो सीरीज में हम श्रीमद् भागवत गीता के एक एक अध्याय के एक एक श्लोक का मतलब विस्तार पूर्वक और सरल भाषा में समझाएंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो सीरीज से आपको भी सुनने और समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए अब देर नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। यह शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वह संजय से जानना चाहते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, उनकी सेना क्या कर रही है। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे,
वह देख नहीं सकते थे, लेकिन वह आंख से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। वह जानते थे कि वह धर्म के साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि धर्म तो वहां था जहां श्री कृष्ण खड़े थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वह जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में हम भी जब कोई गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा नहीं हो, और यही डर, चिंता धृतराष्ट्र को सता रहा था। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं कि हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर बताते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वह युद्ध क्षेत्र से दूर रहते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। दुर्योधन कह रहे हैं, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। जैसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है, इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर हैं। युयुद्धान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा है। दृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान, शक्तिशाली और पुरोजित कुंती भोज तथा शैव्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी है। युद्धाम्मु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तम ओझा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा है। दुर्योधन कह रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को जान लीजिए। मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा है, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक शूरवीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, और यह सभी योद्धा विधा में निपुण है। इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सिंह आदि बाजे अचानक एक साथ बजे थे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन में भी अलौकिक शंख बजाए। हृदय के सर्वस्व झाता श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर में अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव में स्वघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। संजय कहते हैं, उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए आपके पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व झाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं।
कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। मैं उनको भी देख सकूं जो ये राजा लोग यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय ने कहा, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण झाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया और भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरुवंश के सदस्यों को देख। वहां प्रथापुत्र अर्जुन ने अपने ताऊ चाचा को, दादा परदादा को, गुरु को, मामा को, भाई को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को देखा। कुंतीपुत्र अर्जुन ने ससुर को और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है। वही गुरुजन, परिवारजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर और सारे संबंधी अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग कर इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूं, भले ही यह सभी मुझे ही मार डालें। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। हे माधव, अतः मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता है, परंतु हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं। क्यों ना हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितृ गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल के दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। यदि मुझे शास्त्र रहित विरोध न करने वाले को मृत राष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डाले, तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयकर होगा। संजय ने कहा, इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में यह कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में
अर्जुन विषाद योग नाम का पहला अध्याय समाप्त हुआ।